हेलो हेलो, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग दोस्तों, दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू न्यू न्यू गुड गुड वे। वे। आज आज दोस्तों दोस्तों 19 नवंबर 2023 19 नवंबर और आज के 2023 दिन और हम आज जो भी के डेली डेली करंट करंट अफेयर्स अफेयर्स के के जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन बने बने हैं हैं उनके उनके बारे बारे में में हम हम डिटेल डिटेल से से डिस्कस डिस्कस करेंगे। करेंगे। और और आज आज के के दिन दिन 19 नवंबर19 नवंबर को को कौन कौन सा सा दिवस दिवस वो वो मनाया मनाया जा जा रहा रहा है? है? तो तो 19 नवंबर19 नवंबर को को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष पुरुष दिवस दिवस के के रूप रूप में में मनाया मनाया जा जा रहा रहा है, है, जो जो समाज समाज और और उसके उसके विकास विकास के के लिए लिए महिला महिला और और पुरुषों पुरुषों दोनों दोनों की की अहमियत अहमियत और और योगदान योगदान होता होता है। है। और और दुनिया दुनिया भर भर में में भले भले ही ही महिला महिला सशक्तिकरण सशक्तिकरण की की दिशा दिशा में में काम काम किया किया जा जा रहा रहा है, है, लेकिन लेकिन पुरुषों पुरुषों की की भलाई भलाई और और स्वास्थ्य स्वास्थ्य के के प्रति प्रति जागरूकता जागरूकता भी भी एक एक अहम अहम मुद्दा मुद्दा है। है। पुरुषों पुरुषों के के जो जो मानसिक मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य और और मानसिक मानसिक विकास विकास और और उनके उनके जो जो सकारात्मक सकारात्मक गुणों गुणों की की सराहना सराहना और और लैंगिक लैंगिक जो जो समानता समानता उसके उसके उद्देश्य उद्देश्य से से प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष दुनिया दुनिया भर भर में में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष पुरुष दिवस दिवस वो वो मनाया मनाया जाता जाता है। है। पुरुष पुरुष और और परिवार, परिवार, समाज समाज और और राष्ट्र राष्ट्र का का एक एक ऐसा ऐसा स्तंभ स्तंभ है है जिसके जिसके बिना बिना सब सब कुछ कुछ अधूरा अधूरा है। है। और और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष पुरुष दिवस दिवस के के मौके मौके पर पर लड़कों लड़कों को को और और पुरुषों पुरुषों को को संघ, संघ, समाज, समाज, समुदाय, समुदाय, राष्ट्र, राष्ट्र, परिवार, परिवार, विवाह, विवाह, बच्चों बच्चों की की देखभाल देखभाल में में उनके उनके योगदान योगदान के के लिए लिए सम्मानित सम्मानित करने करने के के लिए लिए 19 नवंबर19 नवंबर को को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष पुरुष दिवस दिवस के के रूप रूप में में मनाया मनाया जाता जाता है। है। और और आज आज के के वीडियो वीडियो की की आपको आपको पीडीएफ पीडीएफ चाहिए चाहिए तो तो आप आप हमारे हमारे जो जो टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप है है वहां वहां से से वीडियो वीडियो की की पीडीएफ पीडीएफ है है वो वो प्राप्त प्राप्त कर कर सकते सकते हैं। हैं। और और लास्ट लास्ट में में आपको आपको क्वेश्चन क्वेश्चन भी भी दिया दिया जाएगा जाएगा जिसका जिसका आंसर आंसर है है वो वो आपको आपको कमेंट कमेंट बॉक्स बॉक्स में में लिखना लिखना है। है। तो तो चलिए चलिए दोस्तों दोस्तों स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर वन वन से। से। और और आज आज का का वीडियो वीडियो आपको आपको अच्छा अच्छा लगे लगे तो तो चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब और और इसका इसका बेल बेल आइकन आइकन अब अब जरूर जरूर प्रेस प्रेस करें करें ताकि ताकि डेली डेली के के जो जो वीडियो वीडियो अपलोड अपलोड कर कर रहा रहा हूं हूं मैं मैं उनका उनका नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन है है वो वो आपको आपको मिलता मिलता रहे। रहे। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर वन वन है है कि कि कोटक कोटक महिंद्रा महिंद्रा बैंक बैंक है, है, इन्होंने इन्होंने किसको किसको एमडी एमडी और और सीईओ सीईओ के के रूप रूप में में नियुक्त नियुक्त तो तो किया किया है? है? तो तो इस इस क्वेश्चन क्वेश्चन का का राइट राइट आंसर आंसर दोस्तों दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर सी सी है। है। अशोक अशोक जो जो वासवानी वासवानी है है इनको इनको नियुक्त नियुक्त तो तो किया किया गया गया है। है। जो जो कोटक कोटक महिंद्रा महिंद्रा बैंक बैंक के के निदेशक निदेशक मंडल मंडल है, है, इन्होंने इन्होंने अशोक अशोक वासवानी वासवानी को को बैंक बैंक के के निदेशक निदेशक एमडी एमडी और और सीईओ सीईओ के के रूप रूप में में नियुक्त नियुक्त किया किया हो हो दिए। दिए। और और आरबीआई आरबीआई है है तो तो इन्होंने इन्होंने महीने महीने पिछले पिछले महीने महीने जो जो 3 साल3 साल के के लिए लिए बैंक बैंक के के एमडी एमडी और और सीईओ सीईओ के के तौर तौर पर पर जो जो अशोक अशोक वासवानी वासवानी है है इनकी इनकी नियुक्ति नियुक्ति को को मंजूरी मंजूरी और और प्रदान प्रदान की की थी। थी। और और जो जो इनकी इनकी नियुक्ति नियुक्ति है, है, ये ये नियुक्ति नियुक्ति जनवरी जनवरी 2024 2024 है। है। जनवरी जनवरी 2024 2024 से से 3 साल3 साल की की अवधि अवधि के के लिए लिए इनकी इनकी नियुक्ति नियुक्ति वो वो की की जा जा रही रही है। है। और और बैंक बैंक जो जो वासवानी वासवानी है है वो वो कोटक कोटक महिंद्रा महिंद्रा बैंक बैंक में में उदय उदय कोटक कोटक का का स्थान स्थान लेंगे। लेंगे। और और उदय उदय है, है, इन्होंने इन्होंने 1 सितंबर1 सितंबर से से लेके लेके बैंक बैंक के के एमडी एमडी के के पद पद से से इस्तीफा इस्तीफा दे दे दिया। दिया। और और जो जो अशोक अशोक वासवानी वासवानी है, है, इन्होंने इन्होंने फिलहाल फिलहाल अमेरिकी अमेरिकी इजरायली इजरायली एआई एआई वित्तीय वित्तीय प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी कंपनी कंपनी है, है, पगाया पगाया टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी लिमिटेड लिमिटेड के के पचंडामी पचंडामी अध्यक्ष अध्यक्ष है। है। और और अब अब आगे आगे जाके जाके ये ये जनवरी जनवरी 2024 2024 से से कोटक कोटक महिंद्रा महिंद्रा बैंक बैंक के के एमडी एमडी और और सीईओ सीईओ के के रूप रूप में में कार्य कार्य वो वो करेंगे करेंगे अशोक अशोक वासवानी। वासवानी। अब अब कोटक कोटक महिंद्रा महिंद्रा बैंक बैंक है, है, तो तो कोटक कोटक महिंद्रा महिंद्रा बैंक बैंक है है इसकी इसकी स्थापना स्थापना है है दोस्तों। दोस्तों ये ये सन सन 1985 1985 में में इस इस कोटक कोटक महिंद्रा महिंद्रा बैंक बैंक की की स्थापना स्थापना हुई हुई थी। थी। और और इसके इसके जो जो संस्थापक संस्थापक थे थे वो वो थे थे उदय उदय कोटक। कोटक। और और इसका इसका हेड हेड क्वार्टर क्वार्टर है है वो वो है है मुंबई मुंबई महाराष्ट्र महाराष्ट्र में। में। और और इसके इसके जो जो एमडी एमडी और और सीईओ सीईओ है है पर्जेंटाइम पर्जेंटाइम में में वो वो है है दीपक दीपक गुप्ता। गुप्ता। और और जनवरी जनवरी 2024 2024 से से अशोक अशोक वासवानी वासवानी है है वो वो कोटक कोटक महिंद्रा महिंद्रा बैंक बैंक के के सीईओ सीईओ बने बने जाएंगे। जाएंगे। और और जो जो कोटक कोटक महिंद्रा महिंद्रा बैंक बैंक है है इसकी इसकी टैगलाइन टैगलाइन है है अब अब कोना 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 कोटक। कोटक। अब अब जो जो बैंकिंग बैंकिंग से से संबंधित संबंधित या या अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट से से संबंधित संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बिंदु बिंदु बनते बनते हैं हैं उन उन पर पर एक एक नजर नजर डाल डाल लेते लेते हैं हैं कि कि संतोष संतोष कुमार कुमार झा झा ये ये कोंकण कोंकण रेलवे रेलवे के के एमडी एमडी के के रूप रूप में में नियुक्त नियुक्त तो तो किए किए गए गए हैं। हैं। और और एन एन श्रीकांत श्रीकांत हैं हैं वो वो एमएनआरआई एमएनआरआई के के अतिरिक्त अतिरिक्त जो जो सचिव सचिव के के रूप रूप में में नियुक्त नियुक्त किए किए गए गए हैं। हैं। हीरालाल हीरालाल समरिया समरिया वो वो मुख्य मुख्य सूचना सूचना आयुक्त आयुक्त बने बने हैं। हैं। रिजर्व रिजर्व बैंक बैंक ने ने मनोरंजन मनोरंजन मिश्रा मिश्रा को को नया नया कार्यकारी कार्यकारी निदेशक निदेशक व व नियुक्त नियुक्त किया किया है। है। और और श्याम श्याम सुंदर सुंदर गुप्ता गुप्ता ने ने मध्य मध्य रेलवे रेलवे के के जो जो प्रधान प्रधान मुख्य मुख्य परिचालन परिचालन प्रबंधक प्रबंधक के के रूप रूप में में कार्यभार कार्यभार संभाला संभाला है। है। लोकेश लोकेश सुजियो सुजियो 3 साल3 साल की की अवधि अवधि के के लिए लिए आईईएसएफ आईईएसएफ सदस्य सदस्य जो जो सदस्यता सदस्यता समिति समिति है है
नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और जवाहरलाल नेहरू जयंती और विश्व मधुमेह दिवस के रूप में, 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस, बिरसा मुंडा जयंती और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस भारतीय को पुरुषों के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा को चुना गया है। तो ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक के खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, इनको पुरुषों के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया। और जो नीरज चोपड़ा है 25 वर्ष के खिलाड़ी है और ये भारतीय प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुने गए 5 एथलीटों में से एक। और अंतिम सूची में अन्य पुरुष एथलीट है, इसमें जो रयान जो क्राउसर और स्वीडन के मोंडो डुपालिंट्स और केन्या के केल्विन किप्टम और यूएस के न्यूल लायंस है वो इसमें शामिल है। और नीरज चोपड़ा को भी इस पुरस्कार के लिए शामिल किया गया है। अब स्पोर्ट्स से संबंधित जो इम्पोर्टेंट या अवार्ड से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में कौन से अवार्ड और किसको दिए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार दिए हैं, पंजाब के नवापिंडी सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है, गुजरात के थोरडो है इनको UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया है, स्थिरता पर रिपोर्टिंग में योगदान के लिए ICAI संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है, पंजाब के नवापिंडी सरदारा गांव है को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है, तमिल लेखक जो शिवशंकर इनको सरस्वती सम्मान 2022 मिला है, भोपाल के महिला थाने को ISO प्रमाण पत्र वो मिला है, दिलीप नोग मिथेमैन को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है, जीना महसा अमीनी को यूरोपीय संघ का सकारो जो पुरस्कार 2023 है इनसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 46.2 करोड़ डॉलर से घटकर कितना पहुंच चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये 590.32 अरब डॉलर वो पहुंच चुका है। तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार है ये 46.2 करोड़ डॉलर है उनसे घटकर अब 590.32 अरब डॉलर का रह गया। और RBA तो इन्होंने इसमें जो देश का कुल मुद्रा भंडार है इसको 4.67 अरब डॉलर से बढ़कर ये 590.78 डॉलर तक पहुंचने की सूचना दी थी। और अक्टूबर 2021 में देखे इसमें देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार ये 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक अपने उच्चतम स्तर पे था, लेकिन हाल ही में ये घटकर 590.32 अरब डॉलर वो हो गया। और इसमें गोल्ड रिजर्व में जो करीब लगभग 61 करोड़ डॉलर की गिरावट वो देखी गई। और स्वर्ण भंडार का जो मूल्य है वो अभी प्रेजेंट टाइम में 60.8 करोड़ डॉलर का है, 60.8 करोड़ डॉलर से घटकर ये 45.51 अरब डॉलर रह गया। और जो पिछले आंकड़ों के अनुसार देखे तो इसका जो आहरण है ये 3.6 करोड़ डॉलर से बढ़कर ये 18.01 डॉलर का हुआ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि झारखंड है इसका गठन भारत के 28वें राज्य के रूप में किस वर्ष में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सन 2000 में इसका गठन वो हुआ था। तो झारखंड है तो ये 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है और ये राज्य वो उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और इसे वनों की भूमि या बुशलैंड के रूप में भी जाना जाता है। और झारखंड वो अपनी प्राकृतिक संपदा के साथ साथ आदिवासी समाज की जो दृढ़ता वीरता और स्वाभिमान उसके लिए भी जाना जाता है। और झारखंड के लोगों के लिए यहाँ की खनिज संपदा है या देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान है वो माना जाता है। अब झारखंड है तो झारखंड ये भारत का एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और इसकी सीमाएं वो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा से लगती है। और झारखंड के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। और झारखंड में टोटल जिले हैं दोस्तों वो है 24 और झारखंड का गठन ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन वो हुआ था। और यहाँ की राजधानी है रांची। झारखंड में टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान है इम्पोर्टेंट वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, उदवा झील पक्षी अभ्यारण्य, सिंह भूमि हाथी अभ्यारण्य वो झारखंड के अंतर्गत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से कि भारतीय नौसेना की किस चौथी जो पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है इसको लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये अमीनी को लॉन्च किया गया है। जो स्वदेशी जहाज निर्माण पहल के माध्यम से नौसेना की ताकत बढ़ती हुई है, पनडुब्बी जो रोधी युद्ध जेलो वाटरक्राफ्ट परियोजना उसके चौथे पोत है अमीनी को कठपुतली में सफलतापूर्ण लॉन्च किया गया। और 16 नवंबर 2023 को भारतीय जो नौसेना है इन्होंने अपनी जो कैपेसिटी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर वो हासिल किया है। और एंटी सब
मरीन है, ये वारफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है। इस परियोजना के चौथे अमीनिको कठपुतली में मेसर्स एल एंड टी शिप बिल्डर्स में सफलतापूर्ण वो लॉन्च आउट किया है और समुद्री परंपरा का पालन करते हैं। जो श्रीमती मंजू नेथानी, इन्होंने जहाज के प्रक्षेपण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाई है। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। ये जहाज है, ये कोची से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप में अमीनी द्वीप के रणनीतिक समुद्री महत्व को रेखांकित करने के लिए इस जहाज का नाम अमीनियो रखा गया है। और 77 मीटर की लंबाई और 900 टन के विस्थापन और 25 समुद्री मील की अधिकतम गति के साथ ये एएसडब्ल्यू या एसडब्ल्यूसी जहाज लगभग 1800 समुद्री मील की प्रभावशाली सहन शक्ति का दावा किया जा रहा है इसमें। और स्वदेशी जहाज निर्माण में भारत की जो प्रगति पर जोर देते हुए उस श्रेणी के तीसरे जहाज का जो प्रक्षेपण है 13 जून 2023 को मेसर्स एल एंड टी कटुपल्ली वहां पे हुआ था। और उनके प्राथमिक कार्यों में तटीय जल में पंडुपी रोधी अभियानों के साथ साथ कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन और खदान बिछाने के संचालन में भी होना इसमें सम्मिलित हो बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि महाराष्ट्र सरकार है तो इसने किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, सुरेश जो वाडकर है इनको सम्मानित किया जाएगा। जो महाराष्ट्र सरकार है इन्होंने अनुभवी जो गायक हैं और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं सुरेश ईश्वर वाडकर, इनको 2023 के लिए अपने जो प्रतिष्ठित ज्ञान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना। और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में सुधीर मुंगीतेवार, उन्होंने इसकी घोषणा ये पुरस्कार देने की घोषणा की है। और संगीत नाटक अकादमी है इसके विजेता और 68 वर्षीय आयु के जो सुरेश वाडकर है इनको एक समारोह में पुरस्कार के हिस्से के रूप में नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाएगा। अब सुरेश वाडकर इनके बारे में देख लेते हैं ये कि कौन है। तो ये कोल्हापुर के एक साधारण परिवार में आने वाले वाडकर और अपने युवा दिनों में एक पहलवान भी थे। और फिर इन्होंने 1976 में एक गायन प्रतियोगिता में जीतने से पहले मुंबई में एक संगीत शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। और उन्हें 1977 में दिवंगत संगीत निर्देशक रविंद्र जैन इनके साथ पार्श्व जो गायन है इसका पहला मौका मिला था। और उनके शुरुआती जो हिट नंबर थे इसमें सोना करे झिलमिल झिलमिल सीने में जलन और जिसने लता मंगेशकर का ध्यान खींचा था। और उन्होंने उस समय के अंत में अन्य शीर्ष जो संगीतकार उनकी सिफारिश भी की थी। और इन वर्षों में जो वाडकर इन्होंने शीर्ष हिंदी और मराठी निर्देशकों के लिए क्रोधी हम पांच प्यासा सावन प्रेम रोग मेहंदी प्रेम ग्रंथ सम राम तेरी गंगा मेली परिंदा और सदमा जैसी अन्य फिल्मों है इनके लिए यादगार हिट गाने वो गाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग नेताओं की बैठक 2023 का मेजबान वो कौन सा देश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ये अमेरिका देश है। तो वर्तमान में लीडर्स वीक के लिए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है इसमें अमेरिका के जो सैन फ्रांसिस्को में ये आयोजित किया जा रहा है। और जो ये आयोजन है ये 11 नवंबर से शुरू हो चुका है जो 17 नवंबर तक आयोजित किया गया था। और बैठक के दौरान जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन है इन्होंने एक साल में पहली बार तीन चीनी नेता है शी जिनपिंग इनसे मुलाकात की और अमेरिका और चीन संबंधों के बारे में और आर्थिक जो मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा या विश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन सा शहर है जो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग है इसका मेजबान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये न्यू दिल्ली इसका मेजबान है। जो भारतीय नौसेना का जो वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसे इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के नाम से जाना जाता है और ये न्यू दिल्ली में होने वाला है। और ये प्रोग्राम है ये गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023 के तुरंत बाद आता है जो भारतीय नौसेना के द्वारा ये आयोजित किया जाता है और ये गोवा में आयोजित पिछली बार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी वो कौन सा देश करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ये भारत देश के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है इसका दूसरा संस्करण है भारत में इसकी मेजबानी की जा रही है, भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। और शिखर सम्मेलन है इसमें भारत की अध्यक्षता के दौरान जो G20 बैठकों में लिए गए निर्णय है उनमें वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ साथ साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इसमें वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के जो पहले संस्करण की मेजबानी है वो इसी साल जनवरी महीने में भारत ने वर्चुअल फॉर्मेट में इसकी मेजबानी की थी। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस भारतीय को पुरुषों के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर जो पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था AIFF फीफा अकादमी 21 नवंबर को किस शहर में लॉन्च आउट करने जा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ये भुवनेश्वर में इसको लॉन्च आउट की जा रही है। जो महान फुटबॉल कोच है
आर्सेन वेगर, ये 21 नवंबर को भुवनेश्वर में वैश्विक फुटबॉल संस्था है इसकी प्रतिभा का विकास योजना के तहत इसमें जो AIFF फिफा है इस अकादमी का उद्घाटन वो करने जा रहे हैं। चलो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।